एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। देखिए, आप में से काफ़ी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्वेरी आ रही है कि मैडम, हमारा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2021 या फिर सीजीएल 2022 के थ्रू पीएससी में हुआ है, पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट में। तो मतलब कौन कौन से ऐसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ले जाने मैंडेटरी हैं, एंड किस फॉर्मेट में वो होने चाहिए जिससे कि हम डीवी में रिजेक्ट ना किए जाएं। क्योंकि अब जो है, अब एक ही डीवी होने लगा है, पहले दो डीवी होते थे, बट अब डिपार्टमेंटल डीवी ही बच गया है। जो एसएससी के जो ऑफिशियल जो हेडक्वार्टर्स रहता था, वहां पर जो डीवी होता था उसको जो है अब बंद कर दिया गया है। तो अब एक ही डीवी होता है, तो उसी में जो है अब आपके पास कोई चांस भी नहीं होता है। पहले तो ऐसा होता था कि जो एसएससी की तरफ से डीवी होता था, उसमें अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मिस रहता था या फिर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में नहीं रहता था, तो वो आपको प्रोविजनली सेलेक्ट कर लेते थे। फिर वो डिपार्टमेंटल डीवी होने तक आपके पास टाइम रहता था कि आप उसको पुटअप कर सके। बट अब आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है अच्छे से रेडी करके ले जाए। तो चलिए मैं वन बाय वन बात करती हूँ कि आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जिससे कि आप रिजेक्ट ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने 4-5 फोटोज लेकर जाने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोज। कम से कम 6-7 आप लेकर जाना, वैसे रिक्वायरमेंट 4 की ही रहती है। देन बात करते हैं आपकी जो 10th की मार्कशीट रहती है एंड सर्टिफिकेट रहता है, वो दोनों ओरिजिनल्स लेकर जाने हैं उनके। कहीं कहीं पर तो किसी किसी बोर्ड में दोनों ही मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक साथ ही रहता है, कंबाइंड रहता है, किसी किसी में अलग रहता है। तो जैसे भी है वो आप लेकर जाएं। बात करते हैं 12th की जो मार्कशीट है एंड सर्टिफिकेट है, वो भी आपको लेकर जाना है। फर्दर बात करते हैं कि ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट है एंड मार्कशीट्स है, वो भी आपको लेकर जानी है। किसी किसी बोर्ड में जो है ईयरली होता है आपकी मार्कशीट, एंड फाइनली जो है आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आपके पास अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वैलिड रहता है, उसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रोविजनल आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास प्रोविजनल है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, लेकर जाएं प्रोविजनल ही, वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एंड अगर फाइनल आपका आ गया है तो फाइनल लेकर जाइएगा। और किसी किसी का सेमेस्टर वाइज रहता है, तो अगर सेमेस्टर वाइज है आपका, जैसे बीटेक में सेमेस्टर वाइज रहता है, तो आपको जो है सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट लेकर जानी है। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो यही सब लेकर जाना है आपको। फर्दर बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी कास्ट हो, उसका सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर जाना है। और इसके बारे में जो है बहुत मिथ्स हैं कि मतलब कि कौन से स्टेट का ये वैलिड रहता है, या फिर सेंटर वाला फॉर्मेट में वैलिड रहता है, किस फॉर्मेट में आखिर हम बनवाएं। और जब एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का फॉर्म जो है निकलता है, नोटिफिकेशन में भी इसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया रहता है, तो बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं कि क्या मैम इस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो है हमें बनवाना होगा। तो देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अब बनवा पाएं। वो तो अगर आप बनवाते तो पहले से ही बनवाना पड़ता आपको। बट देखिए, वो जो फॉर्मेट रहता है वो एक तरह से सेंट्रल फॉर्मेट रहता है। एससी या एसटी का जो सर्टिफिकेट रहता है, वो किसी भी टाइप का बना हुआ हो, वो हर जगह वैलिड रहता है, उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। बट इशू जो आता है वो आता है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में। तो ये क्योंकि 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। मतलब कि क्रूशियल डेट क्या होता है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट रहती है वो क्रूशियल डेट मानी जाती है, तो आपका उस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड रहता है। तो जैसे अभी जो आपका वैलिड होगा वो 22-23 के लिए वैलिड होना चाहिए। उसमें एक ऑप्शन रहता है, एक कॉलम रहता है कि वैलिड फॉर द ईयर 2022-23 ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। देन हम बात करते हैं कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और बात करते हैं कि आपके पास एक वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक है तो भी चल जाएगा, बट अगर आपके पास तीनों है या इनमें से दो अवेलेबल है तो वो सभी आप लेकर जाइएगा जरूर। बात करते हैं फिर जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है मैंडेटरी है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जब वो डिस्चार्ज होते हैं अपनी सर्विस से तो उनको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो उनको लेकर जाना मैंडेटरी है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि अगर आप
वर्किंग है किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे MTS हैं आप या फिर ऑलरेडी पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट कहीं पर काम कर रहे हैं, घर से ज़्यादा दूर हैं, अब आपको पास मिल रहा है, मतलब XYZ जो भी आपकी कंडीशन है, बट अगर आप एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेकर जाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि अभी DV का जो टाइम है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा DV होने में, तो आप अपने डिपार्टमेंट को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए कि ऐसे ऐसे हमारा सिलेक्शन जो है इस एग्ज़ाम के थ्रू हो रखा है एंड अप्रोक्सीमेटली इस मंथ में हमारी ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी, सो प्लीज़ प्रोवाइड मी द NOC सर्टिफिकेट फॉर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिर आपका जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपको NOC सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करा देंगे, वो लेकर जाना बहुत ही मैंडेटरी है। बात करते हैं कि जैसे वहाँ पर जाने के बाद आपसे अटेस्टेशन फॉर्म भी फिल कराया जाता है, तो अटेस्टेशन फॉर्म में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म रहते हैं, जैसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हालांकि उनके लिए आपको टाइम दिया जाता है, ज्वाइनिंग का और जो डिपार्टमेंटल DV के बीच का टाइम रहता है वो अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ही होता है। बट मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप पहले से ही बनवा कर लेकर जाएंगे अपने नियर बाय जो भी आपकी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ के जो भी मेडिकल ऑफिसर रहते हैं उनके थ्रू आप बनवा कर लेकर जा सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बट अगर आप नहीं भी लेकर जाएंगे तो भी कोई ऐसा इश्यू नहीं होने वाला है। तो जो भी मैंने ये अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको लेकर आपको जाना बहुत ही आवश्यक है, मैंडेटरी है, तो इनको ले जाना बिल्कुल भी ना भूले, और इनके दो दो जेरोक्स सेट जो है आप जरूर लेकर जाएं, सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स, ठीक है। तो अगर आप ये सभी लेकर जाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, जिसमें कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या फिल करना होता है, कौन कौन से उसमें फॉर्म्स रहते हैं, ये सभी जानकारी आपको कम्प्लीटली दी जाएगी।